इधर अंबिकापुर शहर के भगवानपुर वहाँ महापौर गली ईसाई समाज के लोग चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने चंगाई सभा को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बंद करा दिया और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। इधर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 3 सालों से इस तरह से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था और जिसको लेकर शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं आज स्थानीय लोगों के द्वारा फिर से शिकायत करने के बाद प्रशासनिक टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सभा को बंद कराया। बताया जा रहा था कि इस चंगाई सभा में बीमार लोग ठीक करने जैसा कार्य चल रहा था। हमको सूचना मिली थी यहाँ पे कि एक सभा हो रही है, तो यहाँ सूचना के अनुसार हम यहाँ पे आए हैं और जो भी इसमें जो है आचार संहिता के नियमों के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। कौन सी सभा हो रही है? यहाँ पे एक सभा हो रही है, जांच के बाद जो है पता चलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, बाकी कार्रवाई हो रही है। जैसे ही आगे जो है बयान वगैरह लिए जा रहे हैं, जैसे ही आगे कार्रवाई के बारे में पता चलेगा आपको बताएंगे। अंदर में मरीजों को ठीक कराने की बात भी सामने? अभी ऐसा तो जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया है, आगे जो भी इसमें निकल के आएगा आपको सूचित किया जाए। ठीक। यहाँ ये लोग घर में चंगाई सभा का आयोजन किए हैं, घर में ये अंधविश्वास फैला के मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? अभी अभी पुलिस प्रशासन आई हुई है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ठीक। पिछले 3 वर्षों से हम आते जाते यहाँ हर रविवार को देख रहे थे कि बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे, 100-150 महिला पुरुष अंदर प्रार्थना करते थे, चीख पुकार की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगभग 3 वर्षों से लगातार चलता चला आ रहा था। इसका स्थानीय निवासियों ने और बाकी अन्य लोगों ने भी विरोध किया बीच में, पर यहाँ पर प्रशासन और शासन दोनों बेसुध थे, इसलिए हमको सूचना मिली थी यहाँ पे कि एक सभा हो रही है।